नालंदा जिले के बागनबीघा थाना क्षेत्र के इलाके के गौतम टीचर ट्रेनिंग एंड गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल कॉलेज में दर्जनों छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होने से उनका जीवन अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। इस कॉलेज में नामांकन कराने आए छात्रों ने गौतम गुरु पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सप्ताह इन सभी छात्रों को नामांकन के नाम पर झूठा आश्वासन देकर घुमाया जा रहा है। 6 मई को 2019 दर्जन छात्रों छात्राओं ने अपना नामांकन करवाया था। लॉकडाउन के बाद इन सभी नामांकित छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए पेमेंट करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब पेमेंट करने की बात आती है तो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सभी छात्र छात्राओं को नामांकन रद्द करने की बात कही जाती है। छात्रों ने बताया कि गौतम पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट 6/5/19 को एडमिशन कराए थे, उस पर एडमिशन फीस जमा करके मेरा एडमिशन लिया गया और अभी लॉकडाउन के बाद कॉल आता है कि आपका पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने आते हैं तो पेमेंट नहीं लिया तो बोलता है एडमिशन कैंसिल हो गया। और अब जब पूछते हैं कि एडमिशन कैंसिल का रीज़न क्या है तो कुछ बताते नहीं, बोलता है पेमेंट लो और चले जाओ घर। तो एक साल आपका बर्बाद हुआ, क्या देखते हैं? अगर कुछ करने पर हम तो अच्छी कार्रवाई नहीं करते तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करने के सड़क पर उतर जाएंगे। सर, यहाँ परेशानी यही है कि GNM का ट्रेनिंग किए थे 2019 में, साल भर पढ़ाई करने के कैंडिडेट रेगुलर पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारा भी कैंसिल कर दिए थे एडमिशन। ये प्रॉब्लम है कि हमारा एडमिशन चाहिए पिछड़ा, हम पैसे पेमेंट ज़्यादा मांग रहे हैं, किस कारण मांग रहे हैं, क्यों हमारा कैंसिल किया, इसका प्रॉब्लम कुछ बताएंगे अगर नहीं बताएंगे तो कारण बताए नहीं तो एडमिशन हमारा लीजिए। प्रॉब्लम हमें चाहिए, कोई स्टाफ बड़ा है नहीं, किनसे हम अपना कंप्लेन लेते हैं, किनके पास जाए अपना कंप्लेन करने, यहाँ जो भी स्टाफ है सब छठे क्लास के हैं। एक साल बर्बाद होता, उसके बाद अगर नहीं होता तो क्या कीजिए? नहीं होगा तो हमारा मुआवजा दें, जो हमारा जो बैक डेट जो एक साल का हमारा पढ़ाई का नुकसान हुआ, चाहे कॉलेज स्कूल वाला मुआवजा दें।